एवरीवन, आई एम सृष्टि एंड आज मैं आ गई हूँ हमारे पावर सीरीज के सबसे आखिरी वीडियो, यानी कि जब रिजल्ट आने वाली है ना, जो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पावर ऑफ परसिवियरेंस एंड पेशेंस। अभी ये जो रिजल्ट आने वाली है ना, तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम्स दे दिया और रिजल्ट एक दिन आ गया। ये लाइफ का रिजल्ट है ना, तो आप जो इतना मेहनत कर रहे हो अपने डिज़ायर्ड गोल में पहुंचने के लिए, या कुछ भी सिचुएशन में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो ये जो रिज़ल्ट आने वाली है, ये टाइम टू टाइम आप कितना प्रैक्टिस कर चुके हो या फिर आपने कितना एफर्ट्स डाला है, उसके हिसाब से आती है। जितना एफर्ट डाला है, हो सकता है थोड़े थोड़े करके आने लग जाए, हो सकता है बहुत रुक के फिर एंड में जाके एकदम से पूरा मिल जाए, ठीक है, बूम से मिल जाए। तो ये मैंने एक स्टोरी सुना था, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, कि ये जो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन बताया ना, कि एक कंट्री में मैंने सुना था कि कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेड़ है जिसको बहुत ज़्यादा मैन्योर चाहिए होती है, 5 साल तक उसको मैन्योर चाहिए होती है, ठीक है, यानी कि जो आपको मतलब उसको ग्रोथ के लिए जो सब आपको ख्याल रखना है, जो भी आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करनी है ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। सो आप जब इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हो, उस टाइम उसकी ग्रोथ नहीं होती है, 5 साल तक उसको ये सब इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद जब 5 साल कंप्लीट हो जाती है, वह तुरंत से 90 फीट तक एक बार में ही वो ग्रोथ ले लेती है, ठीक है। तो आपने जो इन्वेस्ट किया, स्किल सेट बनाई अपनी, इतने दिन से हम लोगों ने पहले से क्या जाना है कि आपको पहले तो सिचुएशन समझनी होगी, उसके साथ में डील करना है कि कैसे करे, फिर आपको कॉन्शियसली उसको कामली सोचना है, मेडिटेट करना है ताकि आप अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर पाओ, एंड साथ ही साथ उसको प्रैक्टिस करती रहनी है जब तक कि वो आपकी हैबिट या फिर परफेक्शन तक उतर के ना आ जाए, ठीक है। तो ये सब जब आप कर रहे हो, तो आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, तो फिर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। जिनको थोड़ा थोड़ा करके मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उनको थोड़ी थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हाँ, हो तो रहा है भाई, थोड़ा सा मैंने एक्सपेक्ट जितना रखा उतना ना हो, लेकिन उसके मुकाबले कम हो, लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो उनकी प्रोसेस चलती रहती है, वो लगाते एफर्ट्स एंड होता है। लेकिन किसी किसी का होता है ना कि वो एफर्ट्स लगाते ज़रूर है, लेकिन उसके मुकाबले शायद उनको लगता है कि हो नहीं रहा है। तो वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो, ठीक है, आपके डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर छोटे छोटे डिज़ायर्स होंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे मुकम्मल, लेकिन बड़े डिज़ायर्स होंगे ना एक इंसान के, कुछ डिज़ायर्स बहुत ऐसे ऐसे होते हैं, कुछ डिज़ायर्स कितने साल लग जाते हैं, तो वो डिज़ायर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर आपने सोच लिया कि हाँ मुझे एक नौकरी चाहिए जो कि 5,000 की हो, ठीक है, ऐसे आपने सोच लिया, तो वो आप का जितने एफर्ट्स है उस हिसाब से आपको शायद मिल जाएंगी। अभी आपको चाहिए, मुझे महीने में 1,00,000 कमाना है, वैसे नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आप उतने एफर्ट्स डाल चुके हो, आपके लिए वो मतलब एक्सपीरियंस है, आप वैसे मतलब पूरा रेडी हो उस चीज़ के लिए, आप उसको हैंडल कर सकते हो। ये सब कुछ देखा जाएगा तभी ना मिलेगा, स्किल सेट के बिना कुछ भी नहीं होती, अपॉर्चुनिटी बेकार जाती, मिल भी गई तो उसको हैंडल भी करनी है ना। सो ये पूरी जो सिस्टम है ना, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या डिज़ायर है, उसके लिए आप उसको हैंडल करने के लिए रेडी हो कि नहीं, तभी आपको यूनिवर्स वो प्रोवाइड करेगा, तभी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। यूनिवर्स के अंदर आप हैं, मैं हूँ, सबको ही है, तो जो अपॉर्चुनिटी देगा वो भी यूनिवर्स का एक इंसान है, वो आपको ट्रस्ट कर पाएगा ना, जब आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होगी, जब आपके अंदर वो सब कुछ रहेगा चीज़, वो भी ट्रस्ट करेगा ना। आप भी किसी को अगर अपने पास रखोगे जॉब के लिए, मैं जॉब का एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, कि आप मान लो आपको कार खरीदनी है, कार की आप मेंटेनेंस ही नहीं कर पाओगे, जो सेलर है वो तो सेल कर देगा, लेकिन आप तो जानते हो ना कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते, तो आपको वैसे खरीदनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ भी एग्जांपल के साथ में आप फिट करा लो, कि जब तक आप रेडी नहीं हो वो चीज़ आपके पास नहीं आने वाली है, ठीक है, आ भी गई तो चली जाने वाली है, ठीक है, रुकनी नहीं वाली है ज़्यादा दिन के लिए। तो जब आपको ये फील होने लगेगा कि होगा या नहीं होगा, तो फिर आप फ्लैशबैक में चले जाना कि पहले जब नहीं हो रहा था आप कैसा फील कर रहे थे, और इतनी सारी प्रोसेसेस आपने क्यों करी, ठीक है। आप उस चीज़ पे चले जाना कि अगर आपने इतने सारे प्रोसेसेस किया हुआ है, अगर आप ही वो इंसान हो जो ये चाहते थे, आप ही वो इंसान हो जो इतना मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर, वो प्रोसेस जो आपने की हुई है इतने दिन तक, उसके ऊपर चले जाओ आप।
उस चीज का जब आप सोचोगे ना, तब लगेगा नहीं भाई इतना किया है तो थोड़ा और ही रुक जाते हैं, इसको और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पेशेंस के साथ में, कामनेस के साथ में, और फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी है। अगर फ्रस्ट्रेशन बीच में आ गई तो चीज़ों में रुकावट आ सकती है, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्रोसेस होके, प्रोसेस हमारा दिमाग करता रहता है सब कुछ रेगुलरली, ठीक है। ब्रेन ही है ना जो मेन पूरा बॉडी को चलाता है, ये बचपन में साइंस में भी पढ़ाया जाता है कि ब्रेन इज द मेन ऑर्गन विच कंट्रोल्स योर एंटायर बॉडी, तो यही सब कुछ चलाता रहेगा, जो भी आएगा वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग चल रही है। तो अगर एंगर आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, गुस्सा, ये सब कुछ से आपका पूरा प्रोसेस खराब हो सकता है। हाँ, हो सकता है आप ह्यूमन बींग हो, नेचुरल चीज है, इमोशंस आती रहती है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए गुस्सा है, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर लो, उस चीज के ऊपर एक क्रॉस लगा दो कि नहीं 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 मैंने जो गुस्सा किया या फिर जो कुछ भी मैंने गलत सोचा वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप खुद को वो प्रोसेस करके, जैसे कट हो जाता है ना, कभी किसी चीज़ से लग जाती है, हम लोग मलहम लगा के वो सही कर लेते हैं तो वो सही हो जाता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा उस जगह पे आपको दर्द रहता है लेकिन वो सही हो जाता है ना मलहम लगाने पे। तो वही चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ पे मलहम लगाते रहोगे एंड वो गलत चीज़ आ भी गई दिमाग में तो वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है, हमारे अंदर ऐसे इमोशंस आते रहते हैं, दिस इज़ वेरी नेचुरल, लेकिन उसके लिए आपको पैनिक नहीं करनी है, आपको टेंशन नहीं करना है, कामली आपको, एंड परसिवियरेंस का मतलब क्या है, जो कि किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में एंड में अपने डिज़ायर्ड गोल तक पहुँच के ही दिखाता है, ठीक है। ऐसे मेरी बहुत सी गोल्स है जो मैं सोचती हूँ एंड हो जाता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो मुझे आज तक नहीं मिली है, ठीक है। तो मैं उसके लिए ऐसा नहीं करती हूँ कि मेरा वो गोल है या फिर मुझे वो एक चाहत है, पाने की इच्छा है एंड मैं चाहती हूँ कि वो मुझे मिले, ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं इरिटेट हो जाऊंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। ह्यूमन नेचर है, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, खुद को समझाती हूँ, फिर उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मलहम लगाते हो ना अपने कट के ऊपर, जो दिल में दर्द हो रहा है, जो दिमाग में जो चल रहा है उसके ऊपर आप फिर से उसको समझाओ, खुद ही समझाओ, एंड फिर आप फिर से उस जर्नी में लग जाओ। एंड अगर आप कुछ किसी चीज़ को, आप ही है वो, मैंने बताया फ्लैशबैक में चले जाओ, जब आप परसिवियरेंस तक वो मतलब गेन करने की, जो आपके अंदर वो जो ज्वालामुखी थी वो जब थोड़ी कम होने लगती है या फिर पेशेंस नहीं रहती है, तो आप फ्लैशबैक में जाके वही सोचो कि कौन वो इंसान था जो इतने प्रोसेसेस कर रहे थे, कौन वो इंसान था जो कि ये सब सोच रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप वो थे, ठीक है, आप वो सोच रहे थे, तो आपको ही वो करना होगा, आपको ही अपने आप को काम करना होगा। जब तक कि आप उस सिचुएशन में नहीं पहुंचते हो, शांति से सोचो कि आप ही वो इंसान हो जो ये चाहते हो, एंड अच्छी अच्छी चीज़ें ना विजुअलाइज करो उस वक्त जब आपको, जैसे मैंने मेडिटेट, ये सारे प्रोसेसेस को रिपीट करते जाओ, मेडिटेट करो, पिछले जो भी वीडियोस में मैंने जो भी प्रोसेसेस बताया, आप सिचुएशन को समझो, फिर से काम हो जाओ, एकदम लास्ट वीडियो फर्स्ट वीडियो में लेके आ जाता है हम लोगों को, काम हो जाओ, समझो कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, सब कुछ मुझे शांति से समझना है, पॉजिटिव मिल गया तो उसको हैंडल करना है, नहीं मिला तब भी मुझे वो काम भी सोचना है, फिर मुझे सोचना है कॉन्शियसली, एंगर जाएगी तो नेगेटिव इनपुट जाएगी सब कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक, फिर उसको कंसंट्रेट करना है, फिर से मेडिटेट करना है, खुद को शांत रखना है, फिर हमें प्रैक्टिस करती रहनी है फिर से वो चीज़ कि वो मिल रहे कि नहीं मिल रहे, एंड एंड में जाके हमें रिजल्ट के लिए शांत रहना है फिर से कि हमने सब कुछ कर लिया है। एंड जब हमें अंदर से फील होगा ना कि हाँ ठीक है बस और इसके बारे में नहीं सोचना है, तो वो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप समझ लो कि आपको कोई भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठनी है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये ऐसा है, ऐसा सोचना ही नहीं है, जो होना है आप अपना पार्ट कर दो, बाकी सामने वाला या फिर यूनिवर्स करेगा। आप अपने तरफ से बेस्ट दो, 100% दो, पूरा पॉजिटिव दो, आउटपुट को पॉजिटिव ही आनी है। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, किसी और एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करते रहो, एंड ये सोचो मैंने अपना बेस्ट कर्मा कर लिया है, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, एंड आप काम हो जाओ, बाकी सिचुएशन अपने आप संभल जाएगी, अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपना पार्ट करना है, दैट्स इट, बाकी आपको कुछ भी नहीं सोचना है आगे का, पीछे का, क्यों, किस लिए, किस तरीके से,
नहीं सोचना है, ठीक है। व्हेन इट इज़ द राइट टाइम मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग विद यू एज वेल। राइट टाइम भी आना पड़ता है। मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो भी जहाँ पे रिकॉर्ड करी थी वहाँ पे भी मैंने बताया था, जहाँ पे मैंने अपने मम्मी का स्टोरी शेयर किया था वहाँ पे भी मैंने बताया था, जब राइट टाइम होता है आपके सिचुएशन के हिसाब से तब सब कुछ अलाइन हो जाती है। आपको बस अपना सोचना है। उस टाइम पे आप अफर्मेशंस कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छा अच्छा सोच सकते हो कि नहीं मैंने अच्छा किया तो अच्छा होगा, अच्छा इनपुट दो, अच्छे रिजल्ट्स के बारे में सोचो, सक्सेस स्टोरीज के बारे में पढ़ो। दूसरों के सक्सेस स्टोरीज पढ़ के भी आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ वो कैसे कर रहे थे। सक्सेस स्टोरीज के बारे में पढ़ो, लोगों के बारे में और जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशनल वीडियोस देखो कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, वो आप सल्यूशन ढूंढते रहो। उस चीज़ को अकर के पकड़ के मत बैठो, सल्यूशन ढूंढते रहो। चीज़ों में जहाँ पर नेगेटिव दिखती है उसको लेके ज़्यादा पैनिक मत करो। पहले आप अपने लाइफ को इजी कर लो, आपको ज़िंदगी की सारे चीज़ों में सल्यूशन दिखने लग जाएगी। लेकिन पहले अपने लाइफ को एकदम सल्यूशन से भर दो, सल्यूशन लेके आओ अपने लाइफ में। जहाँ पे भी प्रॉब्लम दिखती है अपने लाइफ में पहले उसको, ऐसा होता है यूनिवर्स स्टार्ट्स विथ यू, यू आर दी फर्स्ट पर्सन विथ योरसेल्फ इन द यूनिवर्स। फिर आपके पेरेंट्स आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, घर के बाकी लोग आते हैं, फिर फ्रेंड्स आती है, अलग लोग, धीरे धीरे बाउंड्रीज बढ़ती रहती है। लेकिन आप अपने साथ अपना यूनिवर्स हो, पहले खुद के अंदर के उलझन को सुलझा लो, दुनिया अपने आप सुलझती नज़र आएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये हमारी पावर सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप कुछ वीडियोस सजेस्ट करना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। एंड आई वुड लव टू मेक सम वीडियोस, मैं रिसर्च भी करना पसंद करूँगी। ये सब कुछ जो मैं जान पा रही हूँ आपसे बात कर रही हूँ ना, ये मेरी एक बहुत लॉन्ग टर्म मतलब नॉलेज है जो मुझे बचपन से थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को देखते हुए समझते हुए समझ में आ रहा है। आज मैं और भी लोगों से बहुत कुछ जान रही हूँ जिससे मुझे शेयर करने में अच्छे से बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल चीज़ें देखते रहते होंगे एंड कोशिश करो कि जो भी देखते हो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन के छोड़ दिया, अपने लाइफ में भी आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, तब आएगा मज़ा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं अगले कुछ नए एंड अच्छे से वीडियोज़ में, ठीक है। चलो बाय बाय।